वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स का सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब से क्या क्या काम लिए जाते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब होता क्या है और ग्लोब से क्या क्या काम लिए जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, ग्लोब बनाया हुआ है, कि ग्लोब जो है, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि जिस तरह से हमारी जमीन है तो इसका जो ट्रू मॉडल जो है वो अर्थ है। यानी कि जिस तरह से पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि मैप्स के बारे में, लेकिन मैप जो है वो एक फ्लैट होता है, प्लान होता है, लेकिन वो अर्थ की शेप नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अर्थ जो है ये प्लान नहीं है, बल्कि क्या है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स, स्लाइटली फ्लैटेंड यानी कि थोड़ा प्लान जैसी है, पूरी प्लान नहीं है लेकिन थोड़ी प्लान है। कहाँ पे, पोल्स में, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि थोड़ा सा फ्लैटेंड है, स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स, और फिर बुल्गी एट द मिडल, यानी कि बुल्गी एट द मिडल। अगर हम देखेंगे ओवरऑल, अगर जो शेप जो है इसकी, अर्थ की शेप, वो है ऑस्ट्रिच एग की शेप की जैसी है, ठीक है। यानी कि अर्थ की शेप जो है वो फ्लैटेंड नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, और बुल्गी शेप जो है मिडल में है। तो जब हम ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ बनाते हैं, जब हम ग्लोब बनाते हैं, इट मीन दैट ये ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कंटिनेंट, कंट्रीज वगैरह की एग्जैक्ट लोकेशन जो है अगर हम जानना चाहेंगे, तो हम मैप वगैरह से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम ग्लोब से जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन और उनका साइज जो है वो देख सकते हैं। और जो ग्लोब जो होते हैं, ये वेरीज करते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पॉकेट साइज ग्लोब्स होते हैं, ठीक है। जो बड़े ग्लोब्स होते हैं वो हम कैरी नहीं कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में जब ग्लोब बनाए तो बहुत बड़े बड़े ग्लोब बनाए गए थे, लेकिन उनको डिफिकल्ट होता है कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद क्या हुआ, पॉकेट स्मॉल ग्लोब जैसे बनाए गए, जिस तरह से बैलून शेप्स के बनाए जाते हैं छोटे छोटे, तो जिसको हम इजली जो हैंडल भी कर सकते हैं और इसको हम कैरी भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो ग्लोब्स है, इस ग्लोब से जो है क्या क्या काम लिए जाते हैं, ग्लोब जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अर्थ, कंट्रीज, कंटिनेंट्स और करेक्ट साइज दिखाता है। यानी कि इससे जो हम काम लेते हैं कि अगर हमने किसी कंटिनेंट के बारे में जानना है कि कौन सा कंटिनेंट किस साइड है, नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट है, मिडल में है, कहाँ पे है, तो हम ग्लोब को रोटेट करते हैं, तो ग्लोब की रोटेशन की वजह से हम जो है वो उस एग्जैक्ट कंटिनेंट का पता लगा सकते हैं, उसका साइज कितना है, किस साइड है, वो हम पता लगा सकते हैं। कोई भी प्लेस जानी होगी तो हम ग्लोब के ग्लोब से जो है उसके जो हेल्प से हम जो उसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोब जो है इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि फिक्स नहीं होता है, इट कैन बी रोटेट, यानी कि इसको घुमा सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होता है। अब जो फिक्स कैसे नहीं होता है, क्योंकि ये ग्लोब है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लोब है, तो साइड से हमने जो है इसको यानी कि कैरी करने के लिए, या इसको जो है बीच में सेंटर में रखा है ग्लोब, और साइड से हमने जो एक रॉड जैसी ली है, और इस रॉड को जो है हमने जो ये यहाँ पे जो टिप्स हैं जिसको हम एक्सिस बोलेंगे, यानी कि निडल जैसी हैं, इस निडल जैसी के साथ हमने इसको फिक्स किया है यहाँ पे और यहाँ पे भी, लेकिन टाइट नहीं किया है, लेकिन हमने इसको जो है थोड़ा इसके साथ जोड़ दिया है। अब ये जो रॉड्स हैं, इसको हम यहाँ से, जैसे एग्जाम्पल हमने खड़ा रखना है, यानी कि ये रॉड जैसी है, हमने इसको बिठा दिया। अब हमने अगर ग्लोब को जो है रोटेट करना है, तो हम इस एक्सिस की मदद से इसको रोटेट करेंगे, यानी कि रॉड एक साइड से जो है इसको रखी जाती है, उसके बाद निडल्स जो है इसके साथ फिक्स की जाती हैं, और इस निडल को हम एक्सिस कहते हैं। यानी कि जिस ग्लोब को जिस
निडल के साथ हमने इसको फिक्स किया गया है, तो उस निडल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो इसी एक्सिस के बेस पे हम ग्लोब को रोटेट करते हैं, और ग्लोब को जो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, और ये ग्लोब जो है इसमें जो ये निडल्स हैं, ये तो हमने इसको यानी कि रोटेट करने के लिए जो है फिक्स की है, अदरवाइज जो अर्थ है उसकी कोई निडल वगैरह नहीं है, उसकी एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके ऊपर वो घूमती है, उसकी कोई निडल वगैरह फिक्स नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हमने इसको रोटेट करने के लिए हमने जो है निडल्स बनाई हैं, निडल्स फिक्स की हैं, और इन निडल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। अगर एक्सिस की डेफिनेशन होगी देखनी होगी तो ए निडल विच इज फिक्स इन ए टाइटल मैनर इन द ग्लोब इज कॉल्ड एक्सिस। ए निडल विच इज फिक्स इन ए टाइटल मैनर इन द ग्लोब इज कॉल्ड एक्सिस। अब इस एक्सिस के मदद से हम ग्लोब को रोटेट करेंगे, तो जो भी कंटिनेंट जो है, कंट्रीज, प्लेस जो भी हमने देखनी होगी, तो वो हम ग्लोब को रोटेट करने के बाद देखेंगे। अब ग्लोब जो है ग्लोब में एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन विच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इक्वली डिवाइड द ग्लोब्स और अर्थ इन टू इक्वल पार्ट फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर, और इसकी डिग्री जो है जीरो रखी जाती है। यानी कि वो लाइन जो ग्लोब को यानी कि हमारी अर्थ को, क्योंकि ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है इसलिए हम इसको ग्लोब ही कहेंगे, वो लाइन जो हमारी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, और उसकी डिग्री जो है वो जीरो होती है। और इससे नीचे, इक्वेटर के नीचे वाला जो एरिया आता है, जो हेमिस्फीयर आता है, उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक, तो थैंक्स, आज का इतना ही। तो कल हम इसके आगे जो है दूसरे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।